हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग सब बढ़िया है। तो आज जो है फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं फ्रॉम से मतलब वेलोर से निकल के हम लोग टूवर्ड्स आवर होम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जो है सुबह का 5:30 बज रहा है। सो के कुछ देर पहले उठा था एंड ब्रश वश किया। अभी भी पूरा नींद आ रहा है, बट क्या करें। तो पैकिंग तो ऑलमोस्ट किया हुआ है। अभी जो है लास्ट मोमेंट थोड़ा बहुत खाना वाना पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके खाना नहीं खरीदे, खुद का जो पैक करके एलुमिनियम फॉल में खाना लेके जा रहे हैं वही खाए ऑन द वे ट्रेन जर्नी पे। तो अभी जो है जैसे कि हम लोग ऑटो में चढ़ के जाएंगे कटपति स्टेशन। कटपति स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल से एक दूसरा स्टेशन जाना है ऑटो से, चेन्नई सेंट्रल टू चेन्नई एगमोर। और वहाँ से जो है हम लोग का 1:20 में दूसरा ट्रेन है, वहाँ से वो ट्रेन डायरेक्ट हम लोग का आसनसोल लेके जाएगी। तो उसके बाद फिर आसनसोल से धनबाद। तो टोटल 3 ट्रेन में ट्रैवल करना है, बट मेन जो जर्नी है चेन्नई एगमोर से आसनसोल का ही है सबसे लंबा वाला। सो अभी जो फटाफट मुझे रेडी होना है, फाइनल पैकिंग सब टिट्स पिट्स देख लेना है एंड निकलना है 6:30 बजे। हम लोग को ऑटो बोला हुआ है, 2 ऑटो आएगा एंड हम लोग को छोड़ देगा कटपति स्टेशन। सो मैं जर्नी जितना हो सके व्लॉग में शेयर करने की कोशिश करूँगा एंड आप लोग से फिर मिलते हैं अल्टीमेटली घर पहुँचने के बाद। सो टिल देन यू गाइस वॉच द वीडियो, एंजॉय द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस सून।
हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जो है फाइनली मैं अपना घर धनबाद में पहुंच चुका हूं एंड मेरा रूम में हूं। अभी फ्रेश होने के बाद, रेस्ट लेने के बाद अभी ये व्लॉग में शूट कर रहा हूं। तो सीएमसी वेलोर टू धनबाद बहुत लंबा जर्नी था। तो जैसे कि मैंने पिछला व्लॉग में बताया कि मुझे जो डायरेक्ट ट्रेन जो रहता है LFP धनबाद, वो मुझे नहीं मिला। तो आई हैड टू गो टू चेन्नई सेंट्रल फ्रॉम कटपति जंक्शन। वहाँ से मुझे चेन्नई एगमोर स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ पे वेट किया, लगभग 2-3 घंटे वेट किया। AC वेटिंग रूम था वहाँ पे, एक प्रीपेड टाइप का जो काफ़ी हाइजेनिक था, तो वहीं वेट किया, जो कि मैंने वीडियो में भी शेयर किया। उसके बाद जो है वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन था मेरा आसनसोल का, एंड आसनसोल में फिर मुझे 3-3.5 घंटा वेट करना पड़ा। एंड रात को 12:05 में एग्जैक्टली आसनसोल स्टेशन में ट्रेन था, एंड वहाँ से धनबाद आना पड़ा। एंड धनबाद में रात को 1:30 में पहुँचा, मतलब सुबह का 1:30 आप कह सकते हैं। तो फिर वहाँ से टैक्सी कर लिया और फिर अपना जगह वापस घर में आ गया। एंड आने के बाद इट वॉज़ क्वाइट लेट, मतलब समझ ही सकते, 2 बजे लगभग, रात का 2 बजे या सुबह का 2 बजे बोल सकते हैं मैंने पहुँचा। आके तो पहले मैं नहा लिया, जितना भी कपड़ा था बाहर रख दिया, उसको भिगो दिया, अपना जो सर्फ एक्सेल वाला होता है पानी, उसमें अगला दिन धोने के लिए। तो फिर सोते सोते लगभग 3:30-4 बज चुका था। फिर थोड़ा देर सोया, फिर उठने के बाद क्या, थोड़ा बाज़ार गया, कुछ ग्रॉसरी मतलब ख़रीदना था खाना पकाने के लिए। उसके बाद आके मैंने सब कपड़ा धोया, मेरे इनफैक्ट जो शू भी था, शूज सबको भी धोया, एंड देन लंच करके सो गया। बट जैसे ही यहाँ पे लगभग कितना, अभी शाम नहीं मतलब 4:30-4 बजे से बहुत ज़ोर से यहाँ पे अभी जो है थंडरिंग हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, स्टॉर्म हो रहा है। एंड अभी कुछ देर पहले इतना ज़्यादा हो रहा था, मैंने तो लाइट वाइट सब बंद कर दिया था फॉर सेफ्टी, बट अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, सो आई एम शूटिंग दिस ब्लॉग। सो अभी जो है हम लोग सब सेफ एंड साउंड पहुँच चुके हैं अपना घर, जिसको लेकर थोड़ा सा मैं वरीड था, क्योंकि चारों तरफ इतना अभी ज़्यादा मतलब मीडिया खोलने पे पैंडेमिक सिचुएशन दिखा रहा है। सो अभी नेक्स्ट जो है मुझे मेरा मम्मी पापा को सेकेंड वैक्सीन दिलाना है। पहला वाला मतलब ले चुके हैं, एंड अभी सेकेंड वाला वैक्सीन उन लोग को दिलाना है। एंड सबसे गंदा चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो है बेकार में कौन हल्ला फैला रहा है कि सेकेंड डोज लेने पे जो है बहुत कोई मर जा रहा है। तो मेरा दीदी भी डर रही थी घर में, सब उसी को लेकर परेशान था। फिर मैंने इधर उधर पता किया कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, बट उसमें पता चला कि एक्चुअल वैसा कुछ नहीं है। जो लोग कहाँ डेथ तो ऑब्वियसली हुआ है, बट ड्यू टू सम अदर रीज़न, वैक्सीन की वजह से डेथ किसी का नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने मेरे मम्मी पापा को भी कन्विंस किया कि आप लोग जो है कल जाकर वैक्सीन लगवा लो, एंड देन वील लाइक वेट फॉर 1 or 2 days। उसके बाद जो है फिर मैं निकल जाऊँगा बैक टू दार्जिलिंग वेयर आई वर्क, एंड दीदी चली जाएगी कोलकाता। तो यहाँ से कोलकाता तक सब साथ में ही जाएंगे, वहाँ से फिर वो अपना घर, हम लोग फिर दार्जिलिंग कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो है वो है कि वैक्सीन दिलाना है ना। आप लोग को भी अगर कोई ऐसा इस तरीके का र्यूमर फैला रहा है, तो उससे मतलब हो सकता है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग जो है मतलब एक्चुअली सच जो है उसको थोड़ा सा मतलब पता कीजिए, है ना, इन्वेस्टिगेट कीजिए थोड़ा, जैसे सुन के घबरा मत जाइए, उसके बाद ही जो है कोई भी डिसीजन लीजिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो है फर्स्ट डोज लगा के बोला सेकंड डोज नहीं लगाएंगे, अरे भाई ये क्या बात हुआ। तो मैं तो मेरे पापा को लेकर जा रहा हूँ, एंड होपफुली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेल, एंड आफ्टर दैट इज़ डन देन चलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, एंड मेरा यही आई गेस लास्ट वीडियो है फॉर माई CMC वेलोर का, जो मैंने सीरीज़ बनाया। Day 1 जब मैं गया, फिर वहाँ पे जो हॉस्पिटल में रहा, अलग अलग दिन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, प्रोसीड्योर सब मैंने शेयर किया। एंड अगर आप अभी तक वो सब वीडियोस चेकअप नहीं किए हैं, तो टोटल जो है मेरा आई थिंक 10 वीडियोस हैं। तो आप जो है सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, CMC वेलोर April 2021। और लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन वहाँ पे था, तो लॉकडाउन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस था, किस तरीके के वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस था, एंड उसी बीच मैंने कैसे मम्मी पापा सबका ट्रीटमेंट कराया, सब डिटेल में मैंने शेयर किया है। तो वो प्लेलिस्ट में जाकर जो है हर एक वीडियो आप चेक कर सकते हैं। एंड अलग अलग डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी, आपका कार्डियोलॉजी, फिर आपका डेंटल, डर्मेटोलॉजी, गायनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मतलब बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में मैंने सब कवर किया है हर एक डिपार्टमेंट को। एंड उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, मतलब टिकट बुक करने से लेकर होटल में रहने से लेकर क्या सिस्टम है, सब वहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो अब जो है हर एक वीडियो को देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मतलब कभी भी जो है मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है। तो इन दैट केस अब कैसे, अगर आपको जाना पड़ा CMC वेलोर, तो कैसे जाएंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सब वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, जो कि आप खुद देख के एक आइडिया लगा सकते हैं, जो कि मेरा मेन मकसद था आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि अभी जो है आज के डेट में यूट्यूब में जो है उतना बढ़िया से CMC वेलोर को बिल्कुल कवर, मतलब मैंने तो नहीं देखा जब जाने से पहले सर्च किया था। तो होपफुली मेरा जो ये सीरीज़ है 10 वीडियोज़ का, ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो
इतना ही है, तो वो सीरीज़ जरूर चेकआउट कीजिए। एंड इसके बाद जो है मेरा डेली व्लॉग्स फिर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड बीच में थोड़ा सा गैप हो गया मेरा वीडियो पोस्ट करने के लिए, फॉर दैट आई एम सॉरी, बिकॉज वहाँ पे जो है मुझे ठीक इंटरनेट स्पीड ही नहीं मिल रहा था जिससे जो है मैं वीडियो अपलोड करूँ। शूट तो कर रहा था, एडिट भी कर रहा था, बट अपलोड नहीं कर पा रहा था, फॉर दैट आई एम सॉरी। बट ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है वीडियोस एंजॉय कीजिए। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग, इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।